बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुगल जॉब चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हर रोज़ जॉब्स की मालूमात लेकर आपके पास हाजिर होता रहता हूँ। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को दबाएँ ताकि जॉब्स की मालूमात सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, वफाकी हुकूमत तालीमी इदारा जात डायरेक्टोरेट सर सैद रोड रावलपिंडी इकनॉटमेंट में असामियाँ खाली हैं। टीचिंग स्टाफ है जिसमें एलिमेंट्री स्कूल टीचर मर्द अजरा के लिए जिसका स्केल 14 है, सेकंड डिवीज़न FA या FSC या मसावी तलीम ज़रूरी है, CT या मसावी या आला पेशा वराना तलीम बताई गई है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन है मर्द अजरा के लिए, इसका स्केल 9 है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन खवातीन के लिए है, इसका स्केल भी 9 है, लाइब्रेरी असिस्टेंट मर्द अजरा के लिए जिसका स्केल 9 है और लाइब्रेरी असिस्टेंट खवातीन के लिए जिसका स्केल 9 है। तलीमी काबिलियत इसमें मैट्रिक या मसावी या आला तलीमी काबिलियत बताई गई है। लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट या मसावी तलीम आला पेशा वराना तलीम होनी चाहिए। और इसके अलावा बैंड मास्टर है जिसके लिए का स्केल 6 है और मैट्रिक या मसावी या आला तलीम होना ज़रूरी है। बैंड में 1 साल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या आला मसावी तलीम होना ज़रूरी है। इसमें जो उम्र बताई गई है सबकी 18 से 25 साल बताई गई है। नॉन टीचिंग स्टाफ है, असिस्टेंट है जिसका स्केल 15 है, तलीमी काबिलियत BA BSc या मसावी आला तलीमी काबिलियत होनी चाहिए। इसके अलावा अकाउंटेंट है जिसका स्केल 14 है, BCom या मसावी आला तलीम होना ज़रूरी है। असिस्टेंट की जो उम्र है वो 18 से 25 साल 28 साल बताई गई है। इसके अलावा स्टीनोटाइपस है जिसका स्केल 14 है, इंटरमीडिएट या मसावी या आला तलीमी काबिलियत होनी चाहिए। शार्ट हैंड स्पीड 80 अल्फाज फी मिनट होने चाहिए। टाइपिंग स्पीड 40 अल्फाज फी मिनट ज़रूरी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसका स्केल 12 है, बैचलर डिग्री में फिजिक या रियाजी या शुमारियात या माशियात में से एक मजमून लाजमी या मसावी या आला तलीमी काबिलियत होनी चाहिए। इसके अलावा कम अज़ कम 10,000 की डिप्रेशन फ़ी घंटा रफ्तार बरए डाटा एंट्री ऑपरेटर होनी चाहिए। UDC है जिसका स्केल 11 है, इंटरमीडिएट या मसावी आला तलीम होना ज़रूरी है। इसके अलावा LDC है जिसका स्केल 9 है, मैट्रिक या आला मसावी तलीम होना ज़रूरी है। 30 अल्फाज फी मिनट टाइपिंग स्पीड बताई गई है। लेबॉरेटरी असिस्टेंट है जिसका स्केल 7 है, मैट्रिक बीमा साइंस होना ज़रूरी है। इसके अलावा इसकी जो उम्र बताई गई है 18 से 25 साल असामियों की है। शरायत और इसमें ज़ाबत कुछ बताए गए हैं कि आम राय तमाम उम्मीदवारों के लिए 5 साल है। शेड्यूल कास्ट बुधमार कम्युनिटी कबायली इलाका जात के तस्लीम शुदा कबायल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 3 साल की रायत होगी। सिंधही और बलोचिस्तान के डोमिसाइल के हामिल उम्मीदवारों के लिए भी 3 साल बताई गई है। मसला अफराज से रिटायर्ड अफरान जवान के लिए ज़्यादा 15 साल या जितने साल मुलाजमत की हो, वो सरकारी मुलाजमीन जो दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तिथि का मुसलसल 2 साल मुलाजमत मुकम्मल कर चुके हों, तहाल मुलाजमत जारी है, उनके लिए 10 साल 55 साल की उम्र तक बताया गया है। वह मजदूर अफराद हैं जिसमें मजदूरी का सर्टिफिकेट इंटरव्यू के बाद पेश करना उनको 10 साल की रायत है। सरकारी मुलाजमी जो कि दौरान मुलाजमत मोरखा 1 जुलाई 2005 के बाद फोत हो गए हों, बेवा या बेटा बेटी हैं, उनके लिए 5 साल की रायत बताई गई है। इसके अलावा मुंतखी शुदा उम्मीदवार को पाकिस्तान बाहर कहीं में भी तैनात किया जा सकता है। शादीशुदा और खातून अपने उम्मीदवार अपने शोर के डोमिसाइल की बुनियाद पर दरख्वास्त दे सकती है। उम्मीदवार फार्म अपने डोमिसाइल का ज़िला ज़रूर दर्ज करें। इसके अलावा उम्मीदवार को एक से ज़्यादा सामी के लिए अलग दरख्वास्त फार्म फीस के साथ पैसे अदा करना होंगे। उम्मीदवार को किसी किस्म का इसमें TDA नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा दरख्वास्त अदा करने का तरीका बताया गया है कि जिसमें आप अपना फार्म और टेस्ट फीस डिपॉजिट स्लिप www.ctsp.org.pk पर डाउनलोड कर सकते हैं और जो दरख्वास्तें हैं वो 11 नवंबर 2019 तक पहुंच जानी चाहिए। और दोस्तों, लास्ट में मैं आपको बताता चलूं कि ctsps.org.pk की जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से भी फार्म डाउनलोड कर सकते हैं।